सो गाइस लास्ट टाइम की वीडियो से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, जैसे कि मैंने आपको थाइस की एक्सरसाइज बताई थी ट्रांसफॉर्मेशन में और उसमें मैंने आपको 3 सेट बताए थे। और गाइस मैं आपको बता दूं जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराने वाला हूं वो है चेस्ट की एक्सरसाइज। अब चेस्ट में बहुत तरीके से डिफाइन की जाती है एक्सरसाइज, जैसे अपर होगी, मिड होगी, लोअर होगी, तो उस अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज भी कराई जाती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है जिम के अंदर बहुत से जो कोच होते हैं वो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, बट ये जो एक्सरसाइज होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही कराई जाती है और बेसिकली पर्सनल ट्रेनिंग में कराई जाती है। तो आज जो मैं वर्कआउट कर रहा हूं वो आपको 3 सेट में आपको अपर चेस्ट की कराऊंगा और 2 में आपको लोअर के कराऊंगा, और उसके साथ दोस्तों मैं आपको टोटल 6 सेट कराऊंगा जो आपके प्रॉपर चेस्ट को कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, लाइक शेप में। तो गाइस बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। मेरा नाम है रवि सिंह और आप देख रहे हैं बिलाल दबारा यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, और आपको मैं प्रॉपर तरीका बताता हूं। पहले तरीका समझ लीजिए करने किस तरीके से, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स से होती है, एक डंबल फोल्ड करके एक डंबल फ्लैट करके। तो फ्लैट करके किस तरीके से प्रॉपर वे लेना है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। सो ये आपकी एक प्रॉपर तरीका होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये हैंड्स जो है अपने प्रॉपर इस तरीके से वाइड करने, लाइक दिस, ठीक है। ये स्मॉल नहीं करना, इस तरीके से सामने सामने आपको ये वाइड रखना इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो गाइस इसके आपको प्रॉपर 3 सेट निकालने, और ट्रांसफॉर्मेशन में समझा रहा हूं ये चीज समझिएगा। पहले इसके आपको 3 सेट निकालने, कैसे, ये 15 kg का डंबल है तो आपको पहला सेट लेना 12 का, दूसरा 15 का और तीसरा 20 रेपिटेशन का। और डंबल जो आपके आएंगे पहले 15, फिर 12.5, फिर 10। अब उसके बाद जो मेन कहानी है, हमने भी फिलहाल जो है ये बेस बनाया है, अब बेस को फिलअप करने की एक्सरसाइज करनी है। अब बेस को फिलअप कैसे करना है ये समझ लीजिए। 3 सेट आपको इसको निकालने के बाद आपको सीधी रॉड पकड़नी है, ठीक है। तो रॉड का समझ लीजिए पूरा प्रॉपर, ये यहां से आपको प्रॉपर वाइड पकड़ना है। 3 एंगल होते हैं, स्टार्टिंग देखिएगा वहां से 2, 3, तो आपको ये मिड सेक्शन से पकड़ना है लाइक दिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको इसमें फिलअप करने के लिए बता रहा हूं, ये प्रॉपर आपको भरनी है एक्सरसाइज अपर चेस्ट। तो ये अपर चेस्ट की एक्सरसाइज चल रही है। सो नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब गाइस में समझना थोड़ा सा, पहले जो मैंने सेट निकाले थे वो अपने बेस बना रहा था, यानी कि बेस को प्रॉपर शेप दे रहा था अपर चेस्ट में, ये 3 सेट निकालने के बाद। उसके बाद मुझे फिलअप करनी होती है, यानी कि भरनी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक फंडा बताता हूं, जब आपको चेस्ट को बहुत ज्यादा शार्प और क्लीन बनानी होती तब ये काम किया जाता है। तो इसमें आपको वेट कैसे लेना है, पहले मैंने 10 से निकाला, अब इसमें रेपिटेशन आपको बढ़ानी है, वेट कम करना है। तो 50, अब यहां पर जो आपको लेना है 7.5 kg का वेट लेना है दोनों साइड, उसके बाद आपको 20 रेपिटेशन लेनी है। एंड देन उसके बाद आपको 5 लगाकर फेलियर तक जाना, यानी कि 5 kg वेट लगाने के बाद आपसे जितनी रेपिटेशन निकल सकती है आप उतनी रेपिटेशन निकालें। तो ये पहला सेट आपका कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक एक्सरसाइज। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे पैकेट फ्लाई। अब पैकेट फ्लाई करने का भी मैं तरीका बताता हूं, बहुत सी जिमों के अंदर आपने देखा होगा पैकेट फ्लाई की मशीन पूरी प्रॉपर बनी होती है, और उसमें जो है ये सीट एडजस्टमेंट करने के लिए होता है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर सीट एडजस्टमेंट करने के लिए ये। तो इसमें आप जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा लोअर पड़ जाएगा, और जितना ज्यादा नीचे रहेगा उतना ज्यादा अपर पड़ जाएगा। अब इसको समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऊपर किया है, ठीक है, तो ये मेरी ऊपर की तरफ है, तो मेरे मिड में भी आ सकता है और लोअर में भी आ सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर मैं इसको जितना ज्यादा नीचे करूंगा, लाइक मैंने इसको पूरा एंड पे कर दिया, तो उतना ही ये फर्स्ट ब्लेड पर काम करना स्टार्ट कर देगा चेस्ट पे, यानी कि इस ब्लेड पर अपर पे। तो अपर सेक्शन पे काम करने के लिए आपको सीट पूरी नीचे करनी होगी, और उसके बाद थोड़ी सिटिंग पोजीशन समझ लीजिए। तो सिटिंग पोजीशन हम गलती क्या करते हैं वो समझ लीजिए। सिटिंग पोजीशन क्या होती है, अब आप बहुत से क्या करते हैं सिटिंग पोजीशन प्रॉपर तरीके से ही बन गई, लेकिन इस पर जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वर्क करने पर क्या गलती कर देते हैं, लाइक ये मैंने पकड़ लिया से, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हमेशा, जो गलती होती है पैकेट फ्लाई करने पर। तो आप क्या करते हैं, जब आप पैकेट फ्लाई करते हैं तो
दो रेपिटेशन तक, तीन रेपिटेशन खींच रहती है। आप जब जैसे जब ऊपर की तरफ आती है रेपिटेशन बढ़नी स्टार्ट होती है, वेट हैवी होता है, तो आप ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं ये। तो ये ना करके बेशक वेट कम हो लेकिन रेपिटेशन और सेट प्रॉपर आए ज्यादा अच्छा होगा। और ये मैं अपने सारे व्यूअर से कहना चाहूंगा, जब भी आप पैक डेट फ्लाई करो तो आपको ये समझनी होगी कि एक्सरसाइज किस तरीके से की जाती है। तो आप पैक डेट फ्लाई करो, पहले एक सर्कल लेता हूं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो गाइज इसको आपको प्रॉपर रेपिटेशन में कन्वर्ट करना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो सीना है मेरा, तुमने नोटिस किया होगा मेरा अपर की तरफ ऐसे उठा हुआ था, तो आपको ये सीने में जितना ज्यादा अपर रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रेशराइज करेगी चेस्ट, जितना डाउन रहेगा उतना कम होगा, जितना अप रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो उसमें रेपिटेशन जो आपको रखनी है वो पहले 12, 15, 20, 30 और वेट कम करते चलना है। ओके गाइस, थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। अब आप समझोगे सर ये आप अपर पे करा रहे हो तो लोअर में कैसे आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर टू टाइप से डिक्लाइन बेंच प्रेस कराई जाती है। तो पहला मैं आपको बताता हूं, हम जो नॉर्मल प्रेस करते हैं वो अलग है और जो हम दूसरा रोटेट जो करते हैं वो अलग है। अब समझ लीजिए कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं सैनिटाइज कर लेता हूं, देख सके एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा कोविड की वजह से हम करना पड़ता है। सो आपको जो है ये एक्सरसाइज प्रॉपर किस तरीके से लेनी है वो समझ लीजिए। आप यहां पर क्या सीन है समझिए, हम क्या करते हैं ज्यादातर लोअर करने के लिए हम सिंपल सा प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे ये लाइक 1, 2 इस तरीके से लोअर के लिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, पूरी चेस्ट को फिलअप करने के लिए, उसको भरने के लिए प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए। तो इसमें क्या है कि ये बेसिकली डाउन से ऐसे अप जा रहा है, ठीक है। तो इसको उठाने के लिए हमें जो एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ती है, हालांकि कराई ऐसे जाती है लेकिन बहुत से लोग नहीं करते, तो इसमें रोटेट की जाती है। अब समझ लीजिए कैसे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से आपको प्रॉपर ये एक्सरसाइज करनी है अपनी अपर चेस्ट को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि हम आगे से जो स्ट्रैटेजी में किया है एक्सरसाइज लाइक इंक्लाइन पे डंबल रॉड बटरफ्लाई, ये हमने पहले बेस बनाया है, अब उसको फिलअप करने के लिए हम अप कर रहे हैं अपनी अपर चेस्ट को। तो इसमें जो रेपिटेशन है गाइस वो आपकी 12, 12, 15 एंड 20, चार सेकंड बता रहा हूं, 12, 12, 15 एंड 20, और वेट आपका कम होता चला जाएगा। मैंने हालांकि 10 लिया है, आपको ऐसे 12.5 या 15 से स्टार्ट करना है। तो 15 से स्टार्ट करोगे तो पहले 10-12 रेपिटेशन आएंगी, फिर 12.5 से फिर आपकी 12 रेपिटेशन आएंगी, देन उसके बाद 10 से 15 और उसके बाद जब थोड़ा और डाउन जाओगे यानी कि 7.5 पर आओगे तो आपकी 20 रेपिटेशन आएंगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी मैं आपको बता दूं, तो वेट रेपिटेशन आपको रखनी होगी अपने हिसाब से और 4 सेट आपको कवर करने हैं। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। तो लेकिन रेपिटेशन आपकी 12, 12, 15, 20 आएंगी, वेट आपका कम होता चला जाएगा। ओके, सो गाइस फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे केबल क्रॉस। अब केबल क्रॉस आपको डिक्लाइन से स्टार्ट करनी है जिससे कि अपर चेस्ट पर प्रेशर आए। ओके, सो इसमें आपको रेपिटेशन और सेट में आपको करने के बाद बताऊंगा, लेकिन आपको पहले तरीका समझना है। बहुत से गलती क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए दोनों पैर पीछे करके इस तरीके से लेकर चलते हैं, तो एक तरीका नहीं है बेसिकली। आपका प्रॉपर तरीका यही है, ये जो होता है क्रॉस पैर होंगे आपके, लेग्स होंगे और आपकी जो चेस्ट होगी वो अप होगी इस तरीके से और आपके फेस एकदम फ्रंट है इस तरीके से, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
गाइस में रेपिटेशन आपको 12 12 15 ही रखनी है, इसके चार सेट नहीं लेने, और वेट जो आएगा आपका इसमें बढ़ता हो जाएगा, पहले एक प्लेट फिर दो फिर तीन, क्योंकि हमें फील करनी है, यानी कि भरनी है जो चेस्ट को पूरा स्पेस मिलकर गेनिंग पर आए, यानी कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन फिर फिलअप, प्रॉपर तरीके से दोनों को कवर करना है। तो चौथा सेट आपको इस तरीके से कवर करना है। ओके सो गाइस फिफ्थ एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस। अब आपको इसमें टेक्निक का खेल है, सिर्फ एक टेक्निक यूज करनी है जो आपको ज्यादा नहीं कर पाते हम, फेस को या साइड में देखना ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपको समझने वाली एक्सरसाइज है। तो इंक्लाइन क्लोज ग्रिप डंबल कैसे करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर सेट है, ये मैं आ गया यहां पर, ओके ये मैंने डंबल लिए। अब आपको सिर्फ यहां फोकस कैसे करना है वो समझ लीजिएगा। तो ये मेरे डंबल हो गए क्लोज, ना तो ये डंबल ऐसे हटने हैं ना ही कहीं जाने हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना फोकस रख के चलना है, तो ये है और ये चेस्ट की है ना, इस साइड में बताता हूं आपको एक सेकंड, ये आपके चेस्ट के इस मिड बेस पर आएगा, यहां पर फर्स्ट बटन पे, ठीक है। अब आपको फर्स्ट बटन पे इस तरीके से लेना है और ये, और नजरों का खेल है। अब मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा, ये प्रॉपर ये मेरी नजर आप देख रहे हैं कहां पर है, यहां पर मेरे नीचे सेक्शन पे, तो यहां से नजर नीचे की तरफ देखनी, आपको पहले बटन पर देखकर चलना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत ज्यादा हेट पड़ती है रे फिर, सॉरी। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो मेरी नजर थी वो मेरे फर्स्ट बटन पे थी, अगर आपकी नजर कहीं और जाती है, अगर आपको मेरी लाइक इस बात का बिलीव ना हो तो आप ये अपने ट्राई करके देखें जिम में इंक्लाइन बेंच पर, तो आप खुद नोटिस कीजिएगा जब आपका फोकस आपके फर्स्ट बटन पे रहेगा ना तो चेस्ट पर प्रेशर कितना आएगा ये आप नोटिस कर सकते हैं, और जब आप अपना फोकस आउट कर दोगे तब आप देखना कि आपका कितना प्रेशर होता है वहां पर रिलीज। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा गहराई से समझनी होगी और आपको ये चीज देख के चलनी पड़ेगी। तो इसमें जो वेट सेक्शन आएगा वो आपका 1250 मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाया, आप चाहो तो 15 से ले सकते हैं, चाहो तो 20 से भी ले सकते हो, जैसे जैसे इंसान की कैपेसिटी उसी हिसाब से वो चल सकता है। तो मैं 1250 से लिया, तो आप जो है पहले 12, फिर आपको 12 रेपिटेशन निकालनी है 10 के डंबल से, फिर आपको 7.5 के डंबल से 20 रेपिटेशन लेनी है, फिर आपको 5 के डंबल से 30 रेपिटेशन लेनी है, यानी कि फेलियर तक चलना है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये जो वर्कआउट है आपकी 5 तक जो कवर कर दिया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में, अब लास्ट का जो एक्सरसाइज रहती है वो है पुल ओवर। तो पुल ओवर के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है, जैसे एक डंबल है मैं लेके चल देता हूं अभी, ये लास्ट एक्सरसाइज आपको पुल ओवर करनी है। तो ये पुल ओवर बेसिकली आपने देखा होगा हम फ्लैट पे करते हैं, कैसे इस तरीके फ्लैट पे करते हैं पीछे की तरफ जाते हैं, लेकिन यहां पुल ओवर में डिक्लाइन पे कर रहा हूं, किस तरीके से समझ लीजिएगा। तो ये एक एक एक्सरसाइज गाइस आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी बॉडी में कर रहे हैं तो, ठीक है। अब पुल ओवर को करने के लिए बेसिकली मैं एक स्पेस ले लेता हूं अपना, छोड़े जरा चलिए बाकी ये बोलोटा सैनिटाइजर पीछे से चलो इसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चलना है, तो इसमें आप सेट आपको प्रॉपर ये 5 सेट के बाद जो लास्ट एक्सरसाइज की जाएगी ये आपको प्रॉपर फिलअप करने के लिए, ये ओवरऑल चेस्ट का जो मसल वेट होगा या फिर मसल स्ट्रेंथ होगी और आपका जो फैट होगा उसको कन्वर्ट करेगा आपकी मसल में, तो ये लास्ट एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है। तो इसको आपको प्रॉपर लेकर चलना है लाइक दिस। सो नाउ 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर गाइस ये एक्सरसाइज करनी है और ये गेनिंग की है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद पूरा ओवरऑल सारी एक्सरसाइज को करने के बाद आपको फिलअप करने की बहुत ज्यादा नीड होती है, जिससे कि आपकी चेस्ट ग्रो करे और एक हैवी बेस बने। तो ये लास्ट में इसलिए कराई जाती है। तो इसमें आपको रेपिटेशन 12 12 15 रखनी है, उसके 3 सेट निकालने। ओके गाइस, एंड गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। और मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है लेग्स को लेकर, वो गाइस सबसे बेहतरीन वीडियो है। आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपकी शेप थाइस के अंदर बहुत बेहतरीन देखने वाली मिलेगी। एंड होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आए और अपने दोस्तों से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।